नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम इस वीडियो में आपके लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में घंटी का चिन्ह है, घंटी को दबा लें। तो दोस्तों जो हमारे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनके लिए सब्सक्राइब का बटन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं सीधा पॉइंट की तरफ। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ लूसेंट के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके बाद में जो आंसर दिए गए हैं तो इनको ये टिक करना है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, तो जिसमें मैंने आपको टिक किया है तो इस मोर पे क्लिक करना है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है, तो गंगा डॉल्फिन पर आपको क्लिक कर लेना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो ये तो आम क्वेश्चन है, इन्हें एक नर्सरी का बच्चा या दूसरी में पढ़ने वाला बच्चा भी इसको बता सकता है, तो क्योंकि उनमें क्वेश्चन ये आते रहते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ लूसेंट से लिए गए 1000 क्वेश्चन हैं ये, जो लूसेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से आगे क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। तो आपको ये क्वेश्चन को याद करने के लिए वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को जब अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों को। तो चलो चलते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो झंडे की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है तो यह हर किसी को मालूम नहीं होता है, तो इसे क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई दी गई है 3:2 में दी गई है, जो इस क्वेश्चन में ये है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं, जैसे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो राष्ट्र से लिए गए हैं इसमें अदल बदल कर देते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आपके जो तीन क्वेश्चन दिए हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है 52 सेकंड दिया गया है। अगला क्वेश्चन कराते हैं फिर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है, रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी? हेनरी वेकरल ने की थी। और पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ती है? तो यहाँ पे दिखाया क्वेश्चन में जो दिया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये दिया गया है काला। बीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई वर्तमान मुंबई से थाने तक। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1859 ईस्वी में किया गया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्विक ड्रेन लीडर राकेश वर्मा 1984 में।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, तो इनका आप रिवाइज कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। शेयर करने के बाद इसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, तो जीके मैथ एजुकेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।